विधानसभा में बोलने के बाद में उस पर कोई अमल होती है या नहीं होती है, या कथा ही सुनाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर सरकार कानून में सुधार करने की व्यवस्था रखती है तो निश्चित तौर के ऊपर कानून भी ऐसे सख्त बनाए जाए तो अपराधी को सजा मिले। कई बार एक अपराधी हमारे ब्यावर में, उसको पकड़ने के लिए 40 केस दर्ज हैं उसके ऊपर, और पुलिस ने 6 महीने लगे उसको पकड़ने के लिए। 1,48,000 का डीजल जलाया गया उसके पीछे, स्टाफ कितना लगा होगा, और बड़ी मुश्किल से जान पर खेल करके पुलिस के लोग उस अपराधी को पकड़ के लेके आते हैं गृहमंत्री महोदय, और कोर्ट में पेश करते ही 15 मिनट में उसकी बेल हो जाती है। इसका भी कोई कानून बनाया जाए जो कोर्ट भी इस प्रकार का संज्ञान नहीं ले सके, अपराधी को सजा मिले। जिस प्रकार भ्रष्टाचार के ऊपर सभी बोलते हैं, कभी आप लोग बोलते हैं सत्ता में होते हैं तो आपकी सरकार के टाइम में भी तो इतने आंकड़े पेश किए थे, हम उससे बढ़कर के बता देंगे, उससे ऊपर उठ करके इसके ऊपर सुधार कैसे हो सकता है? अगर आप चाहें आत्मा से तो निश्चित तौर के ऊपर सुधार हो सकता है। कलेक्टर को मालूम होता है मेरे जिले में कितने लोगों ने कहाँ अतिक्रमण किया, किस चरागाह पर और सिवाय चक पर और किसी जमीन पर। इसी प्रकार एसपी को पता होता है, उसके पास में बीट प्रभारी तक का होता है, एक पटवारी से कम क्षेत्र होता है बीट प्रभारी का। उसको मालूम है इस गांव में किसका लड़का अपराधी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, अगर वो पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। निश्चित तौर के ऊपर ये काम पुलिस नहीं कर रही है, ये पुलिस काम निश्चित तौर के ऊपर अपराधियों को तपतपी देने के लिए, आज कितना लूट करके लाया, ला इधर ला, आधा तेरा आधा मेरा, इस काम से हमें ऊपर उठ करके कानून इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। अधिकारी कह रहे हैं पहले वाला अधिकारी तो अच्छे थे, मैं अधिकारियों के ऊपर अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ बुरा भी नहीं कह रहा हूँ, IPS और IAS अधिकारी पर हमें नाज होता है कि ये अच्छे ईमानदार अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सुधारा करना चाहते हैं तो जहाँ पर भी IAS लगता है IPS लगता है उसे स्टाफ को आप तुरंत उसके साथ में ही रवाना करें। वो जमा हुआ स्टाफ को मालूम है इस फाइल के ऊपर कितना वेट है, और इसमें एक हल्की है ये भारी है, ये अधिकारी का कान भर करके भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगेगी अगर आप सुधारा करना चाहेंगे तो। अब जिस प्रकार तीसरी बात, कोई भी अपराध मैं ईमानदार नहीं कह रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर के ऊपर जो जिस प्रकार भ्रष्टाचार के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो हमारे पुलिस के अधिकारी भी उसमें भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, उनको भी जांच कौन करते हैं, पुलिस के ऊपर के अधिकारी। रहते हुए इस प्रकार का भ्रष्टाचार के अंदर पाया जाता है उसकी सेवाएं समाप्त करने का कानून बनाया जाए ताकि योग्य बेरोजगार युवकों को उसमें नौकरी का मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अजमेर जिले के अंदर मेरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में 6 फरवरी को विजयनगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ 60/23, जसवीर सिंह के ऊपर गोली चलाई गई। उसी व्यक्ति के ऊपर खरवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, खरवा में 92/23 मुकदमा नंबर। एक ही व्यक्ति के ऊपर दो दो बार गोली चलना, अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे हैं। और इसी प्रकार अभी एक महीना भी नहीं हुआ और 24 फरवरी को 30 गोली चली। इस प्रकार पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है, ये क्या बात है? कानून को इस प्रकार की सख्ती होनी चाहिए। हम आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं, आपको इसके ऊपर कहीं की संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस प्रकार किसी हमारे जवाहर थाने में 151 में कैदी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में उसने उसकी सेवा पानी का पैसा नहीं दिया, वो कांस्टेबल ने कोर्ट ने लेकर जमानत लेने के बाद में तो मुलजिम छूट जाता है ना, लेकिन पैसे नहीं देने की वजह वापस
में थाने में ले जा करके बंद किया, और बंद कौन सी धारा में बंद करे उसको, भाई बैठ जा रात भर यही रहना, सुबह सुबह पापा को बोला पैसे लेकर आ जाना और ले जाना इसको, इसके पापा ने देखा पैसे कहाँ से लाऊंगा, ये तो रात दिन ऐसा ही कर रहा है। उस लड़के ने रात को उठ के जा करके और थाने के पीछे फांसी लगा ली, और सुबह उस केस को भी पुलिस के अधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन उसको बचाने का, पुलिस को बचाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ का थानेदार और ये स्टाफ भ्रष्ट होने की वजह से ये इसकी जान गई है। इसमें माननीय गृहमंत्री महोदय कानून में कहीं कहीं सुधार वाली कार्रवाई करिए तो थोड़ा ठीक रहेगा। पुलिस जांच में भी वही अधिकारी बचाएंगे जो ऊपर के उनके अधिकारी हैं। मैं महिला बलात्कार गैंगरेप अपहरण की घटनाओं के ऊपर ज़्यादा जिक्र नहीं करते हुए, ये कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसी के ऊपर हमारे को ज्ञान लेना चाहिए। ये दिनांक 9 फरवरी की जो जोझावर की है उसमें सरवण सिंह उर्फ सवाई सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी गोलकी पुलिस थाना सरियाई जिला पाली की पुलिस हत्याकांड, पुलिस की सांठगांठ से हत्या को सुसाइड में बदल किया जा रहा है। माननीय गृहमंत्री महोदय सरवण सिंह टेंट व्यवसायी था, महावीर सिंह भाटी के साथ में उसका 12 महीने का अनुबंध किया था टेंट का, और 6 महीने बाद महावीर सिंह वापस आ गया और अपना अनुबंध खत्म करने के लिए बोला। और महावीर सिंह भाटी ने वापस आकर के उसको सरवण सिंह को बोला आप इसका टेंट का व्यवसाय खत्म करो और मेरे को इस अनुबंध को रद्द करो और मुझे मेरा धंधा दो। सरवण सिंह का मेरा एग्रीमेंट 31 जुलाई 2020 तक खत्म हो रहा है, पहले खाली क्यों करूं। इस बीच में महावीर सिंह ने उसको धमकी दी कि तुम 3 दिन के अंदर ये खाली कर दो, नहीं करेगा तो तेरे को खत्म कर दूंगा। इसका जिक्र पुलिस ने कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की। सरवण सिंह के घर पे जाकर के भी महावीर सिंह ने धमकी दी। सरवण सिंह के ऑर्डर पर धनका टेंट व्यवसायी की भट्टियों को लेकर छोड़ने के लिए मजदूर को साथ में लेकर के सरवण सिंह गया और महावीर सिंह के गोदाम जाकर फिर घर जाऊंगा। महावीर सिंह के घर गया, उसके बाद में सरवण सिंह दिखाई नहीं दिया। अब सरवण सिंह का गोदाम में आने की पुष्टि खुद महावीर सिंह भी कर रहा है कि सरवण सिंह गोदाम में आया, पेन डायरी रख करके वापस चला गया। उस समय में सर पांच मिनट उस समय में महावीर सिंह प्रथम चरण पर था, वो खुद पुष्टि, लेकिन महावीर सिंह को बचाने के लिए वहां की स्थानीय पुलिस पूरी मिलीभगत के साथ में महावीर सिंह के सीसीटीवी कैमरे उतरवाए, जिसका बिना किसी जांच पड़ताल के थाना अधिकारी हमीर सिंह भाटी, प्रहलाद सिंह एसआई, कांस्टेबल विक्रम सिंह ने कैमरों को वहां से हटवा दिया, जिस पर महावीर सिंह भाटी ने सरवण सिंह के माता के साथ में ले जा करके थाने में, हमीर सिंह भाटी मेरा रिश्तेदार है थानेदार और वो मेरे मिलने वाला है, आप चलो उसकी माँ को ले जा करके और वहाँ पर MPR दर्ज कराई। उसका नंबर है 8/2023। ये है 10 फरवरी की ही था, प्रहलाद सिंह के सहयोग से और ये बॉडी को महावीर सिंह ले जा रहा था, और रात के टाइम लोगों को सूचना मिलने पर मौके पर जाकर भारी विरोध किया, लेकिन पुलिस द्वारा पुलिस का अभाव दिखाकर सहयोग नहीं किया और महावीर सिंह को करते हुए गाड़ी में जाने दिया, भीड़ को वहां से खदेड़ दिया, बॉडी को जंगल में ले जाकर महावीर जोड़ किया के साथ में मिल करके और बॉडी को एक पेड़ के ऊपर लटका कर मोटरसाइकिल किया। उसमें ये पुलिस 2 किलोमीटर दूर पर घने जंगल में भीड़ में सरवण सिंह की लाश देखी गई। सरवण सिंह की हत्या आत्महत्या में तब्दील करने के लिए रस्से में गली बांध, रस्से में गली बांध दी गई ताकि वो हत्या नहीं जा सके। सरवण सिंह घुटनों का बल जमीन पर टिका हुआ था। ये घटनाक्रम 17 और 18 को हजारों लोगों की
तादाद में जोजावर थाने के सभी लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया। उस समय में मैं स्थानीय विधायक महोदय आदरणीय खुशवीर सिंह जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि सब इन्होंने धन्यवाद सभापति महोदय बिराजी 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 आज बिराजी प्लीज चर्चा हो रही है।